शुरुआत कहां से हुई, कब हुई, इसकी बारीकियां पूरी तरह उजागर नहीं है। मानव जीवन कहां से सफर के अस्तित्व में आया, हवा, पानी, आग, उन विशाल डायनासोर के वक्त के बाद से या बिग बैंग के बाद से, ये बेहद रोमांचक है। आखिर इंसान का जन्म हुआ कैसे और इंसानों की तादाद कैसे बढ़ी। हजारों वर्ष पूर्व जब धरती पर आसमान से उल्का गिरने शुरू हुए, तब आसमान पर बिजली गरज रही थी। तभी एक उल्का पानी में जा गिरा। वो धधकता हुआ उल्का और आसमान में गरजती हुई बिजली भी पानी में गिरी। तभी इन दोनों के मिश्रण से पानी के अंदर एक सेल्स का निर्माण हुआ और ये सेल्स खुद का क्लोन बनाने लगा। ऐसे करके हर एक सेल्स ने खुद का क्लोन बनाया और बहुत सारे सेल्स बन गए। बिजली का गिरना और उल्का पिंड का गिरना पानी में, वो भी एक सटीक वक्त पर, तभी ये मुमकिन हो पाया। और उसके बाद 2000 वर्ष पूर्व हर चीज का जन्म इन्हीं सेल्स के थ्रू हुआ। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, हर वो जिंदा चीज। पहले ये सेल्स क्लोन्स बने, फिर यही एक दूसरे से मिलने लगे, लाइक अ बॉय मीट गर्ल। ये सब यहीं से शुरू हुआ। समुद्र की गहराई पर जब ये सेल्स किसी स्पीशीज का रूप लिए, तब ये अंधे थे, पर समय चक्र के बाद इनमें देखने की क्षमता आ गई। और फिर समय चक्र के साथ 5120 वर्ष के बाद पहले सबसे चमत्कारी ऑर्गन बना इन्हीं स्पीशीज के अंदर, वो था ब्रेन। दुनिया का पहला ब्रेन जो इन्हें कुदरत को समझने में मदद करने लगा। और पानी पर जीवन चलता रहा। फिर अचानक सारे स्पीशीज या मछलियां मरने लगी कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से और उनके डेड सेल्स से। फिर नए सेल्स का जन्म हुआ जो कि पानी और हवा दोनों में सांस लेने में सक्षम थे। और इसी वक्त नए ऑर्गन का निर्माण हुआ, लंग्स का। और जब ये पानी से रेंग कर बाहर आई, तब सूरज की किरणों से इनका रूप बदलने लगा और फिर ये लिजार्ड के रूप में बदल गईं। और फिर एक बार एक दूसरे से मिलने से बहुत सारे एक्स का निर्माण हुआ और जीवन की रफ्तार के साथ कई हजार वर्ष बाद डायनासोर का जन्म हुआ। ये विशाल जानवर जीने के लिए एक दूसरे को मारने लगे और जीवन की कमी के कारण फिर एक ममाल का जन्म हुआ, चूहे का, क्योंकि ये जमीन की गहराई पर जी सकते थे। और फिर कई हजार वर्षों के बाद धरती पर एक ऐसा उल्का पिंड गिरा जो धरती के जीवन को आधा खत्म कर दिया, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। डायनासोर के मरने के बाद उनके शरीर से कीड़े का जन्म हुआ और वो चूहा जो बच गया था बाहर निकलकर कीड़ों को खाना शुरू किया। और इनके भी इसी तरह कई रूप निकले और फिर ये जीवन और भूख की तलाश में बड़े बड़े वृक्ष पर निकले और इनके रूप फिर बदले, पेड़ पर रहने वाले जीव बने, फिर बंदर और वक्त के साथ वन मानुष। पर जीवन जैसे जैसे बढ़ता गया, भूख के लिए संघर्ष बढ़ता गया और तभी ये वन मानुष मांस खाने पर मजबूर हुए। पर कच्चे मांस से वन मानुष का बदलाव पूर्ण नहीं हो पा रहा था। तभी उस वक्त आसमान में से बिजली एक वृक्ष पर गिरी और आग लग गई। तब एक वन मानुष ने उस जलती डगाल को हाथ में उठाया और पाया कि इससे अंधेरा दूर किया जा सकता है। अब कुदरत की ताकत इनके हाथ लग चुकी थी और फिर आग जलाने के तरीके को खोजा, तब दिमाग के बदलाव सीमित थे। वन मानुष अपने परिवार के साथ मांस खाते वक्त अचानक उनसे एक मांस का टुकड़ा आग में गिर गया और जब उसे आग से निकाला तो पाया कि मांस खाने लायक भी है और आसानी से चबाने लायक। और इसी तरह अच्छे खाने से इनका दिमाग 3-3 बिलियन ईयर्स बाद और डेवलप हुआ और इंसानों का पूरी तरह जन्म हुआ।